खबर देवरिया जिले से है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। वो वहां पर क्या कर रही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जिला मुख्यालय में एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने ये बयान दिया। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि दुश्मन के रूप में पाकिस्तानी दुश्मन साधता है, और अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान का है तो उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए। हालांकि जांच एजेंसी सीमा हैदर के मामले पर पूरी तरह से जांच कर रही है। और स्कूल से लायक लोग पैदा होते हैं और नालायक भी पैदा होते हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा, आप किसमें नाम लिखाना चाहते हो आप जान लो कि मैं मोदी जी, अमित शाह, नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के सामने आपकी वकालत करके दिखाने लायक आपका टोपी झंडा दिल्ली में पहुंचाया, दिल्ली में दो बार प्रधानमंत्री से मिलने का, और आपकी आपको तय करना होगा कि किसके साथ रहना। तो सपा बसपा को हटाने लायक, गाँव को मरवाते हो, आपके हिस्से को मार कर खाते हो, आपकी ऐसे टाकू रूपी जो नेता, आपको तय करना होगा देवरिया में हर दल में निषाद पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री। आपकी क्या उस पर प्रतिक्रिया? देखिए, मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति को जानता हूँ, और पाकिस्तान किसी दूसरे देशों के इशारे पर अपना रवैया बदलता रहता और दुश्मन के रूप में पाकिस्तान हमेशा दुश्मनी साधता, और कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान का भारत में आता है तो मेरा एक ही राय है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम तो रहते तो उस समय जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था तो सबको मैं पाकिस्तान भेज देता, अब फ्री में भारत आराम से रहता, ये बीमारी नहीं रहती आज के दिन में। तो मैं जाँच एजेंसी है, लोकतंत्र में संविधान है, और जांच एजेंसी में जो भी मामला सामने आएगा और जांच के प्रक्रिया, चूँकि न्यायपालिका जहां बनी हो, विधायिका बनी हो, कार्यपालिका बनी हो, तो सभी स्वतंत्र हैं। अब जांच एजेंसी चल रही है और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आज तक देश में जब तक भी जो जाँच हुआ और जाँच में जो भी दोषी पाया जाता, कितनों रसूखदार हो, उसके ऊपर उतनी बड़ी कार्रवाई होती है और करके दिखाते, और जांच में अगर दोषी पाए जाते तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई। सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या जरूरत है, हम कह रहे हैं किस तरीके का विवाद करें, भारत है दुनिया में, अर्थव्यवस्था में दुनिया में राज कर रहे, दुनिया एक सोने की चिड़िया है, हम लोग गुरुओं का देश है, विश्व गुरु भारत है, तो भारत से सीख के लोग बदलें और अपनी संस्कृति को बदलें और भारतीय संस्कृति को आत्मसात करें। उनके आने का मकसद क्या हो सकता है? अब वो इंडिविजुअल आदमी क्या सोचता क्या नहीं सोचता, और हम लोग देश के लिए सोचते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और ये। देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।